हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ग्रुप कैप्टन अशोक कुमार है और साइबर सिक्योरिटी के इस मॉड्यूल में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वायरलेस सिक्योरिटी। इस मॉड्यूल के बाद आपको इन सब्जेक्ट्स के बारे में कि हमें वायरलेस नेटवर्क क्यों चाहिए, वायरलेस नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वायरलेस नेटवर्क को कैसे बनाया जाता है और वायरलेस नेटवर्क के साथ इश्यूज क्या होते हैं, इन सब की हम जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि वायरलेस नेटवर्क को सिक्योर कैसे किया जाए, वायरलेस नेटवर्क की जरूरत क्या है। सबसे पहला, ये इकोनॉमिकल है, जगह जगह आपको तारें नहीं बिछानी है, नंबर ऑफ स्विचेस, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो वायर्ड नेटवर्क में होते हैं इस्तेमाल, वो हट जाते हैं, तो इस वजह से काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता है नेटवर्क। दूसरा, जो भी हमारी डिवाइसेस हैं, चाहे वो लैपटॉप्स हों या मोबाइल्स हों, इवन पीसीज, वो सब, उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है। आप एक जगह से दूसरी जगह आप उनको उठा के आराम से ले जा सकते हैं, शिफ्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आती। तीसरा, सबकी मॉनिटरिंग जो है वो बड़े आसान से हो सकती है, एक ही जगह से हो सकती है। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मकसद हम यहाँ पे अचीव करते हैं वो है कि हम सेंट्रली एक पॉलिसीज हम राउटर में या एक्सेस पॉइंट में बना करके डाल सकते हैं और वो सारी डिवाइसेस में अप्लाई हो जाती हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि कोई अननोन साइट से हमें पिंग ना आए या एनोनिमस साइट हमें पिंग ना कर पाए, एनोनिमस ट्रैफिक हमको ब्लॉक करना है वो हम कर सकते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम सेंट्रली अप्लाई कर सकते हैं। वायरलेस नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे पहला कंपोनेंट जो वायरलेस नेटवर्क में है वो वायरलेस राउटर, हम सब जो कि घर में इस्तेमाल करते हैं ADSL मॉडेम, वो भी एक तरह का वायरलेस राउटर ही है। इसकी एक लिमिटेड रेंज होती है, इसकी रेंज बढ़ाने के लिए हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट यूज करते हैं, जिससे कि हम इसके सेम राउटर के हम रेंज बढ़ाते चले जाते हैं। वायरलेस नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है क्लाइंट साइड में, यानी कि जो भी हम डिवाइसेस जो नेटवर्क पे कनेक्ट कर रहे हैं उनके अंदर वायरलेस अडेप्टर होना चाहिए, चाहे वो पीसीज हों, लैपटॉप्स हों, मोबाइल डिवाइसेस हों। आजकल अधिकतर लैपटॉप्स में और मोबाइल डिवाइसेस में वायरलेस अडेप्टर्स बिल्ट इन आते हैं, पीसीज में हमको हो सकता है कि अलग से लगाना पड़े। एक और कंपोनेंट जो कि वायरलेस नेटवर्क का है वो SSID ऑफ एक्सेस पॉइंट, जिससे कि हम जब हम अपना क्लाइंट साइड से डिवाइस साइड से हम अपना वाईफाई ऑन करते हैं तो हमको एक नंबर ऑफ लिस्ट हमारे पास नेटवर्क की आती है, उसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन से नेटवर्क में हमें कनेक्ट होना है। क्योंकि हमारा सारा ट्रैफिक और हमारी सारी जो इंफॉर्मेशन है इट इज गोइंग इन द एयर इन द वायरलेस मीडियम, तो उसके साथ साथ हमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लगाना भी बहुत जरूरी है। तो वायरलेस नेटवर्क्स में प्राइमरली तीन प्रोटोकॉल यूज होती हैं। सबसे पहली है वेब, वायर इक्विवेलेंट प्राइवेसी, WPA, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस एंड WPA2। इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो WPA2 है, जिसमें कि 128-bit एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम काम करता है और काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती है, इसको तोड़ना मुश्किल काम है। जबकि दूसरी जो प्रोटोकॉल्स हैं WEP एंड WPA, उनको तोड़ने में हमारा हैकर जो है उसको कम टाइम लगता है। वायरलेस नेटवर्क को क्रिएट कैसे किया जाता है? सबसे पहले हमको अपना वायरलेस इक्विपमेंट चूज करना होगा। वायरलेस राउटर, जैसा कि हमने डिस्कस किया था अभी, कि वो इसकी एक जान है, इसका एक सेंट्रल सिस्टम है और दूसरा उसके साथ वायरलेस अडैप्टर जो कि डिवाइसेस में लगता है।
इसको पावर अप कीजिए, इसके अंदर कनेक्शन दे देते हैं। वायरलेस राउटर को हमें या तो केबल और डीएसएल मॉडेम के साथ डालना पड़ेगा, और इन केस वी हैव अ एडीएसएल राउटर, उसमें सीधी वायर जो कि हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से है, वो सीधी वायर टर्मिनेट हो जाती है। जैसे ही हम इन सिस्टम्स को ऑन करते हैं, हमें देखना है कि सारी लाइट्स जो भी इसके इक्विवेलेंट लाइट्स हैं वो सब जल रही हैं, इंडिकेशंस आर ऑन और स्टेबल हैं। इससे पहले कि हम इसको डिवाइसेस को नेटवर्क से कनेक्ट करना शुरू करें, हमें एडीएसएल राउटर को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले एक लैन केबल हम अपने एक सिस्टम में लगाते हैं और ब्राउजर खोल के उसके फर्मवेयर को एक्सेस करते हैं। बाय डिफॉल्ट सभी एडीएसएल राउटर के फर्मवेयर को एक्सेस करने का जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.1.1। यही हमारा, जब हम क्लाइंट साइड कॉन्फ़िगर करते हैं, यही हमारा गेटवे होता है। टीसीपी आईपी की सेटिंग्स में हम इसको एज ए गेटवे भी इस्तेमाल करेंगे। बाय डिफॉल्ट अगर ये नहीं आ रहा है तो हमें अपने मॉडम को पलट करके देखना है या उसकी मैनुअल को रेफर करना है कि इसका डिफॉल्ट आईपी एड्रेस क्या है। जैसे ही हम डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स यूज करके, जो कि मोस्टली एडमिन या पासवर्ड होता है या एडमिन एडमिन होता है, हम इसके फर्मवेयर के अंदर चले जाते हैं। और इसके बाद जो सेटिंग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें वायरलेस की एसएसआईडी इनेबल करनी होती है। ये एसएसआईडी वही है जिससे कि हम अपने वायरलेस राउटर को या वायरलेस लैन को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने अगर जो भी एक राउटर लगाया है तो यूओयू या कोई नोन, उसको हमें एक एसएसआईडी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो है यूजर नेम और पासवर्ड को डालना, जो कि हमें हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देते हैं। अगले स्टेप में हमें इसकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इनेबल करनी होंगी। अगर हम अपना ट्रैफिक सारा इनसिक्योर मोड में डालेंगे तो आप जान सकते हैं कि हमारा नेटवर्क कितना वल्नरेबल होगा। हम अटैकर का काम, हैकर का काम बहुत आसान करते चाह रहे हैं अगर हम ये प्रोटोकॉल्स इनेबल नहीं करते हैं। अगले स्टेप में हमें एक पास की, जो कि बाय डिफॉल्ट सिस्टम जनरेटेड होती है, तो उसको ना दे करके हम एक अपनी एक पास की, जो मुश्किल सा एक पासवर्ड होगा, उसको अंदर डालेंगे फर्मवेयर में। और इससे पहले कि हम इसको एग्जिट करें, हमें इसको लिख लेना होगा। अगर हम भूल गए तो यही कॉन्फ़िगरेशन, यही प्रोसेस हमको दोबारा से करना पड़ेगा। आसान सा प्रोसेस है, इसको सेव कीजिए। और जैसे ही हम सिस्टम से लॉग आउट करते हैं, मॉडम एडीएसएल राउटर ये अपने आप को रीस्टार्ट करेंगे और एसएसआईडीज आपके क्लाइंट साइड में अवेलेबल हो जाएगी। जैसे ही हम क्लाइंट साइड से या डिवाइस साइड से हम इस पर लॉग इन करेंगे, वो पास की मांगेगा। इसी पास की को इस्तेमाल करके हम वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगे। वायरलेस नेटवर्क जहां बहुत हमारे लिए सहूलियत बढ़ा देता है, हमारी जिंदगी आसान कर देता है। जैसा कि पुरानी कहावत है कि कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, तो वायरलेस लैन के अपने इश्यूज हैं, क्योंकि हमारा ट्रैफिक सारा एयर में जा रहा है, ऑन द वेव्स, ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थ्रू द इलेक्ट्रोनेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो एनीबडी हु हैज गॉट रिक्वायर्ड इक्विपमेंट, डिजायर्ड इक्विपमेंट, कैन टैप द ट्रांसमिशन और कैन मॉनिटर द ट्रैफिक। तो ये उतना ही प्रोन है जितने कि हमारे वायर्ड नेटवर्क हैं। इनफैक्ट वायरलेस नेटवर्क जो है हमारा
अटैक के लिए ज्यादा प्रोन है। सबसे बड़ा इसमें जो इश्यू आता है, अगर इसको हमने ठीक से कॉन्फिगर नहीं किया है तो हमारा पूरा वायरलेस नेटवर्क कंप्रोमाइज हो सकता है। इसकी हम सिक्योरिटी कैसे बढ़ाएंगे? तो अब हम कुछ टिप्स देखते हैं कि वायरलेस नेटवर्क जब हम यूज कर रहे हैं तो इसको, इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम कैसे इंप्रूव करें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, हम सबसे सिक्योर जो पॉसिबल इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल है WPA2, उसको इस्तेमाल करें। अगर हमारा डिवाइस कार्ड सपोर्ट नहीं करता है तभी हम WPA और WEP पर जाएंगे। हर राउटर में एक फायरवॉल होती है, हमें उस फायरवॉल को इनेबल करना है और उसके डिफरेंट फीचर्स पढ़ के उनको इनेबल करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक फीचर होता है कि एनोनिमस IP एड्रेस से पिंग अलाउ कर दें, तो वो हमको ये सब डिसेबल करना पड़ेगा। हमें मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने पड़ते हैं, होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, वायरलेस होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड वायरलेस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। हमें अगर हमने लगा दिया तो हमको पता चलता रहेगा कि कौन कौन से क्लाइंट, नोन और अननोन, एट ए गिवन टाइम हमारे राउटर से कनेक्टेड है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स आते हैं, एडमिन 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 पासवर्ड, ये लोग चेंज ही नहीं करते हैं। तो जैसे ही आप खुद से देखेंगे, आपने अगर ये चेंज नहीं किया है, इसके SSID पे जा करके 192.168 लॉगिन कीजिए, यू कैन गेट इन टू द फर्मवेयर एंड कैन क्रैक द पासवर्ड इन नो टाइम। हमें इसका ऑटो कनेक्ट फीचर जो है वो डिसेबल करना होगा, डिफॉल्ट SSID भी चेंज करनी होगी, ताकि डिफॉल्ट SSID चेंज करने का हमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है ताकि जो अटैकर है उसको पता ना चल पाए कि हमारा मॉडम कौन से मेक का है, हमारा मॉडल क्या है, अदरवाइज उसका काम आसान हो जाएगा। साथ ही साथ हमें जो स्टैटिक IP एड्रेसेस हैं देने होंगे और MAC फिल्टरिंग लगा करके जो एक्सेस है मॉडम की उसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना होगा। एक चीज और ध्यान रखने वाली है इसमें कि जब भी मॉडम यूज में नहीं है ऑफ वर्किंग आवर्स या और किसी भी वजह से, हमें इसको स्विच ऑफ कर देना है। अदरवाइज वी आर गिविंग एन अटैकर फुल टाइम टू डू हिज वर्क एंड ट्राई टू इंट्रूड इन आवर सिस्टम। जस्ट टू समराइज, वायरलेस सिक्योरिटी जो है वो हम इसलिए लगाते हैं ताकि अनऑथराइज एक्सेस और डैमेज हमारे नेटवर्क को अटैकर ना कर सके। आज की तारीख में आप कोई भी हैक टूल उठाइए, उसमें सबसे पहला जो मेथडोलॉजी दी होती है वो है वायरलेस नेटवर्क को हैक करने की। ज़रूरी है कि हम वायरलेस नेटवर्क जब भी लगाएं उनके साथ वायरलेस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम और वायरलेस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम भी साथ साथ लगाएं। सर्विस सेट आइडेंटिफायर SSID जिसको हम बोलते हैं, वो 0 से 32 ऑक्टेट्स का एक नंबर होता है और ये यूनिक आइडेंटिफायर है एक वायरलेस नेटवर्क के लिए, क्योंकि ये आइडेंटिफायर ह्यूमन बीइंग्स मैनुअली अपने सिस्टम में फीड करेंगे, तो इसको इस तरह से बनाया जाए कि इट इज ह्यूमन रीडेबल, और इसी को हम नेटवर्क नेम की तरह से इस्तेमाल करेंगे। एवरी वायरलेस नेटवर्क और राउटर हैज द अबिलिटी टू ब्रॉडकास्ट इट्स नेम, जिसको कि हम SSID के नाम से जानते हैं। डिसेबलिंग अगर SSID हम कर देते हैं तो उससे नेटवर्क डिस्कवर ही नहीं होगा और हम अपने नेटवर्क में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इंक्रिप्शन का जो इस्तेमाल होता है, वो डेटा जब मीडिया में ट्रेवल कर रहा है, हमारे केस में वो मीडिया है एयर, जब ये डेटा एयर में ट्रेवल कर रहा है
तो ये इनक्रिप्ट होना चाहिए। वेब जो है WEP, ये नोटेरियसली वीक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, काफ़ी पुराना है। इससे नए स्टैंडर्ड आ चुके हैं। हमको कोशिश करनी है कि हमारे जो डिवाइस एक्सेस कार्ड्स हैं वो WPA2 कंपैटिबल हों, इफ़ नॉट मिनिमम WPA कंपैटिबल हों, ताकि हम अपना ट्रैफिक सिक्योर रख सकें। मैक फिल्टरिंग एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। हम राउटर के फर्मवेयर में जाकर के नोन मैक एड्रेसेस को हम बाइंड कर सकते हैं। उसका फायदा यह होगा कि कोई भी अननोन मैक एड्रेस डिवाइस हमारे नेटवर्क में जुड़ नहीं सकेगी। वायरलेस राउटर जो है वो पूरे नेटवर्क की एक जान है, तो इसको हमें बहुत सोच समझ के लेना है और देखना है कि इसमें नॉन वल्नरेबिलिटीज ना हो। मॉडेम इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज दैट कैन ट्रेवल टू टेलीविजन और टेलीफोन लाइंस। वायरलेस लैन आर मोर प्रोन, जैसा कि हमने भी पहले डिस्कस किया था कि हमारा सारा डेटा जो है वो एयर के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इसमें सिक्योरिटी कंट्रोल्स इनेबल करें और हमारा डेटा सिक्योर रहे। इन टिप्स के साथ ये मॉड्यूल हम यहीं खत्म करते हैं। आशा है कि वायरलेस सिक्योरिटी के बारे में आपकी जानकारी अब पहले से ज़्यादा है और आप इसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।